फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल मन मधु ब्लॉगर। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैं बिजी कहाँ थी इतने दिनों से, जो मैं कोई भी वीडियो नहीं बना रही थी। तो बने रहिए मेरे वीडियो में और जानिए पूरा रीजन कि मैं कहाँ बिजी थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल मन मधु ब्लॉगर। और आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो कुछ दिनों से मैं बहुत बिजी चल रही थी और मैं बिजी कहाँ थी ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ अलग अलग कामों की वजह से मैं बिजी हो गई थी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखना और कोई भी नाराज मत होना, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से किसी के भी वीडियो पर नहीं जा पाई हूँ। और मेरे बिजी होने का प्रमाण यह है कि आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि मैंने कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं किया था, और जो भी लॉन्ग वीडियो 10-12 दिन पहले का है वही पोस्ट किया था। अब मैं वापस आ चुकी हूँ, तो मैं सबके वीडियो पर आऊँगी जैसे पहले आती थी। तो मुझे भी आप लोगों से बिछुड़ के अच्छा नहीं लगता है, ये मुझे भी ये लगता है कि कुछ खाली खाली सा है, कुछ मिसिंग है। लेकिन कुछ घर के काम ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा बिजी होना पड़ जाता है। पहले कुछ टाइम में मेरे यहाँ गेस्ट आ गए थे तो मैं उनकी सेवा में बिजी थी। इसके बाद मैं चली गई थी कहीं घूमने के लिए किसी धार्मिक स्थान पर, उसके बाद मैं अपने मायके चली गई। तो मैं क्यों गई थी ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे जो बड़े भाई हैं उनके बेटे का गृह मंत्रालय विभाग में सिलेक्शन हो गया है, बेटे का विशाल नाम है उसका, तो उसका सिलेक्शन हो गया था। तो काफ़ी दिन हो गए थे सिलेक्शन हुए, तो उन्होंने प्रण किया था कि अगर जब इसका गवर्नमेंट जॉब में हो जाएगा तो मैं सुंदरकांड कराऊंगा और थोड़ा बहुत खाना पीना पार्टी गाई तो ये सब करूँगा और सभी खास खास लोगों को बुलाया जाएगा। तो मैं गई थी इसीलिए, बहुत इंजॉय किया, बहुत मस्ती की। मायके में जाके अच्छा लगता है, ये सभी लेडीज़ अच्छे से जानती होंगी कि हम लोगों का बेस्ट प्लेस मायका ही होता है, जिसमें सारे गेस्ट आते हैं और सभी गेस्ट खूब बातें करते हैं। वो पूजा पाठ और वो एक तरफ है, पार्टी और हम लोगों की बातें एक तरफ है। तो इसी वजह से मैं काफ़ी दिन से बिजी थी और कोई भी वीडियो नहीं बना पाई थी। तो इसलिए मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो भी फ्रेंड्स नाराज़ होंगे, सोच रहे होंगे कि क्या हो गया, एकदम से मैं चेंज हो गई, किसी के वीडियो पर नहीं जा रही हूँ, तो इसी यही वजह थी मेरी। अब मैं आ गई हूँ तो अब धीरे धीरे मैं प्रोसेस में आ रही हूँ। मेरा बहुत लॉस भी हुआ है और चैनल को वैसे भी ज़्यादा गैप हो जाता है तो चैनल को बहुत नुकसान पहुँचता है। और इसके लिए मतलब कोई भी जो यूट्यूबर, उनके लिए रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है, जो मेरे साथ नहीं हो पाती। शायद मेरा बैड लक है, तो मेरे बैड लक को आप लोग लक में बदल दीजिए और फिर से मेरे से कनेक्ट रहिए और मेरे चैनल पर आते जाते रहना सब लोग। अब मैं भी आ गई हूँ, सबके चैनल पर जाऊँगी। तो बस मैं यही बताना चाहती थी आप लोगों को कि मैं कहाँ बिजी थी और क्यों मैं नहीं बना पा रही थी कोई भी वीडियो। तो ओके फ्रेंड्स, प्लीज़ कीप सपोर्ट। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।